वी द पीपल, हम भारत के लोग में रोज ही इंटरनेट पर मीटिंग्स होती हैं, उसका इनविटेशन जाता है, लोग उसमें पूरे भारत और बाहर से जुड़ते हैं, सभी तरह के लोग जुड़ते हैं। मीटिंग में आने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, या जो लोग मीटिंग में इनवाइट करते हैं वो इस वीडियो को उन तक भेज दें। इससे सभी का टाइम बचेगा और आपको समझ में आएगा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, मीटिंग में क्यों जाना चाहिए। भारत के जो समण समाज के लोग हैं, समण समाज मतलब भगवान बुद्ध ने दो समाज बताए थे अपने पूरे साहित्य में, एक समण और एक बमण। तो बमण समाज तो बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास कोठी, कार, बंगला, जहाज, इंडस्ट्री, जमीन जायदाद सब कुछ है, दुकानें हैं, मगर समण समाज के पास नहीं है। तो ये समण समाज के उत्थान के लिए हम बात करते हैं, ताकि वो भारत में मजबूत हो सके, जिससे भारत मजबूत हो सके, ये उसका उद्देश्य है। यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है कि हम जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसका नेता कौन है। दरअसल हम जो इकट्ठे हो रहे हैं वो संविधान के नियम के तहत हो रहे हैं। हमारा नेता आप कह सकते हैं कि संविधान है, या जो संविधान में नेता बनने का तरीका है वो है। जब लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो संविधान के तरीके के अनुसार अपने नेताओं को चुन लेंगे। एक नेता नहीं होगा, बहुत सारे नेता संविधान में होते हैं, एक तरह से लोकसभा समझिए, जिसमें सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं और एक आदमी को वो चुनते हैं। ऐसे ही यहाँ जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो किसी एक को चुन लेंगे, वो उस समय जो भी ठीक होगा, जो भी चुनाव में आपको अच्छा लगेगा, जो भी लगेगा, बाद की बात है, उस पर अभी जिक्र नहीं करते। उद्देश्य क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उद्देश्य है हमारा कि हमें हमारा जो जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे पहले मिलती थी, फ्री मिले या बहुत कम पैसे में मिले, हमको अच्छा खाना मिलना चाहिए, हमको अच्छा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सारी गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी जॉब्स होनी चाहिए, हमारे पास इंडस्ट्री होनी चाहिए, हमारे पास खेत खलिहान होने चाहिए, हमारी दुकानें होनी चाहिए, और विदेश में भी हमारे लोग सेटल होने चाहिए, और खूब हमारे लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, सारे के सारे ही, मतलब अनपढ़ ना रहें, भूखे ना रहें, अनपढ़ ना रहें, गरीब ना रहें। ये उद्देश्य है, जो संविधान का भी उद्देश्य है, जो समता और बंधुत्व को पूरी तरह से बताता है, जिसके प्रीएम्बल में दिया हुआ है, उद्देशिका में। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारा प्लान क्या है, क्योंकि लोग पूछेंगे आपका क्या प्लान है, कैसे? हमारा प्लान है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, संगठित रहो, जैसे कांशीराम जी ने संगठित किया, जैसे गौतम बुद्ध ने संघ बनाया और संगठित किया, जैसे महापुरुषों ने संगत बनाई, संगठित किया और सत्संग करते थे, वैसे ही जैसे 2 अप्रैल 2018 को सारे लोग संगठित हुए और अपना एक अधिकार बचा गए, वैसे ही हमें संगठित होना है। बिना संगठित हुए आप कोई काम आगे कर नहीं सकते, इसलिए आगे का काम वो लोग करेंगे जो संगठित होंगे, यानी संगठित होते रहेंगे उनमें जो लोग काम करने के लिए आगे अक्सर आएंगे, जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें क्षमता है, जिनमें इच्छा है, जो करना चाहते हैं, वो लोग खुद इस काम को कर लेंगे। वी द पीपल का काम है कि उनको संगठित करना। तो तरीका क्या है संगठित करने का? तरीका ये है कि जो महापुरुषों का जितना ज्ञान है वो लगभग पूरे भारत में बिखरा पड़ा है। आप ये समझिए कि पूरे भारत में लोगों को वैचारिक जानकारी है कि उनको संगठित होना है, मगर पूरे भारत में कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहां सारे लोग संगठित हो सके। तो कैसे पहचान बनेगी? ये जो संविधान के पहले दो अक्षर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग, इससे ही लिया गया है वी द पीपल। आप कोई भी संस्था में काम करते हैं, या आप इंडिविजुअल हैं, आप किसी भी क्षेत्र के माहिर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे वकील हैं, चाहे आर्किटेक्ट हैं, चाहे रसोई हैं, सेफ हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे नर्स हैं, कुछ भी हैं आप, चाहे क्लर्क हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आप उस फील्ड के लोगों को, जहां आपने उनको एसोसिएशन बना रखी है या इकट्ठा किया हुआ है, आपने ये कहना है कि हम वी द पीपल के लोग हैं, बाकी आपकी एसोसिएशन ऐसी की ऐसी रहेगी, संगठन ऐसा का ऐसा रहेगा। वी द पीपल जब आप उस पर लिखेंगे, वी द पीपल आपका एसोसिएशन का नाम, वी द पीपल आपके धर्म की एसोसिएशन का नाम, वी द पीपल आपका जो दल बल सेना है उसका नाम, या जो लोग अपने इन सब चीज़ों को ख़त्म करके डायरेक्ट वी द पीपल में आना चाहते हैं। तो वी द पीपल एक फैमिली है, पूरे भारत का एक परिवार है, जिसमें हर तरह के लोग जुड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप दूर केरल के किसी गांव में रहते हैं, या तमिलनाडु के किसी ज़िले में रहते हैं, या आप कर्नाटक के किसी दूर दराज के एरिया में रहते हैं, या आप आंध्र प्रदेश के किसी ज़िले में हैं, या हिमाचल प्रदेश के किसी ज़िले में हैं,
तो आपका एक कनेक्टिविटी रहेगी, एक लिंक रहेगा जो आप खुद बनाएंगे, यानी एक नेटवर्क बनाएंगे, उसका एक सिस्टम बनाएंगे, उसका एक जानकारी का टेलीफोन एक्सचेंज टाइप बनाएंगे। आपने वहाँ फ़ोन करेंगे जहाँ आपका टेलीफोन एक्सचेंज है कि मुझे बिहार जाना है, बिहार के इस ज़िले में जाना है, वहाँ मुझे कुछ काम है, तो आपको बिहार के वहाँ के ज़िले के लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। आप अगर मध्य प्रदेश के किसी गांव में हैं और अचानक आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप वहाँ के लोगों से, विद पीपल से अटैच रहेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि मध्य प्रदेश के सरकारी जो डिस्पेंसरी है या जो सरकारी हॉस्पिटल है या जो सरकारी चिकित्सालय है, उसमें कौन सा डॉक्टर, कौन सा नर्स, कौन सा वार्ड बॉय आपका विद पीपल का मेंबर है, वो आपकी मदद करेगा आपका एडमिशन कराने में, आपको दवाई दिलाने में, या आपको कहीं आवश्यकता पड़ी वकील की या पुलिस की या कोई जानकारी की, तो आपको पता रहेगा कि विदा पीपल का फैमिली के कितने लोग यहाँ पर हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आप सारे फेस्टिवल में एक दूसरे को जानेंगे, मिलेंगे। कोई स्कूल में टीचर है तो वो आपके बच्चे का एडमिशन की फ़ायदा करेगा। कोई बच्चा आपका दूसरे राज्य में जा रहा है तो वहाँ आपको विदा पीपल के लोग मिलेंगे जो आपको बच्चे को वहाँ अपने बच्चे की तरह केयर करेंगे। आप किसी बड़े शहर में जा रहे हैं और अनजान हैं, तो आपको विदा पीपल के लोग वहाँ मिलेंगे जो आपकी फैमिली के होंगे, वो आपको लुटने से पटने से बचाएंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे ताकि आपको वहाँ घर जैसा लगे। ये सारा का सारा नेटवर्क सारी दुनिया में हर देश में होता है, मगर समर समाज में, भारत में ये स्थापित नहीं हुआ, बना नहीं, सोच नहीं हुई किसी की। संगठन बहुत सारे हैं, दरअसल 10,000 संगठन हैं, मगर राष्ट्रीय लेवल पर कोई इनको इकट्ठा करने के लिए या राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाने का किसी का सोच है नहीं। दरअसल सबका सोच ऐसा है कि वो संगठन बनाते हैं और जिसके खिलाफ संगठन बनाते हैं उससे तो लड़ते नहीं हैं, संगठनों के आपस में जो लोग हैं वही लड़ते रहते हैं, यानी कि दुश्मन वो आपस में ही हो गए, उन्हीं से लड़ते रहते हैं, सामने वाले दुश्मन का नंबर आता ही नहीं तो वो आपस में लड़ रहे हैं। इस कारण से ना उनकी सोच है और ना ही उनका काम है, क्योंकि वो एक दूसरे के लोगों को काटते पीटते रहते हैं। क्या कहते हैं, मेरा बाड़ा, मेरा संगठन, मेरा दड़वा, मेरी जेल बहुत अच्छी है, इसमें आ जाओ, उसकी जेल छोड़ दो, वो जेल बेकार है। वो आपस में ही जेल जेल, संगठन संगठन खेल रहे हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इतने दिनों से वो संगठन है, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते तो बहुत सारे लोगों का पैसा बचता और बहुत सारे लोगों को ये पता रहता कहाँ नौकरी निकल रही है। जहाँ से नौकरी निकलती है वहाँ जो आपके आदमी हैं वो बताते कि यहाँ नौकरी है, आपको खबर मिल जाती, या कहाँ कौन सी जगह कोई अपॉर्चुनिटी है, या विदेश कौन से लोग जा रहे हैं, या कौन से लोग आ रहे हैं, या कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा व्यापार करना है, या व्यापार करने के क्या फ़ायदे हैं, या कहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ स्कूल में सीट हैं, कहाँ कॉलेज में सीट हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती है अगर आपका नेटवर्क होता, आपका एक जाल होता सूचनाओं का। तो सूचनाओं का जाल कौन बनाएगा? आप किसी से उम्मीद छोड़ दो कि कोई आपके लिए बना के देगा। अगर कोई बना के देता, कोई नेता बना के देता, कोई संगठन बना के देता, या कोई संस्था बना के देती, तो अब तक बना के दे देती। तो ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ जो लेना है वो आपको लेना है। अगर लाभ आपको लेना है तो आप ही को ये काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? जैसे आप किसी कॉलेज में हैं तो उस कॉलेज में ढूंढिए कि और कौन कौन से समर समाज के लोग हैं, उनको कहिए कि भाई हम यहाँ इकट्ठे हैं, तो दूसरे कॉलेज से जुड़ जाइए। कॉलेज कॉलेज आपस में जल्दी जुड़ जाते हैं। उसके जो टीचर हैं, मास्टर हैं या प्रोफेसर हैं, उनसे जुड़िए। उसमें जो हर तरह का स्टाफ है, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, चाहे वो LDC है, चाहे UDC है, क्लर्क है, जो भी है, उनसे जुड़िए। उनका वहाँ एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट बना के आप अपने पास रखिए। दूसरे जो कॉलेज है उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसमें कितने छात्र हैं, कितने स्टूडेंट जो भी हैं, उनका लिस्ट बनाइए, उनका आपस में बातचीत कराइए। अब तो बड़ा आसान है, टेलीफोन है, नेट है, इंटरनेट है, जूम है, मीटिंग है, हो जाती हैं, पैसा खर्च नहीं होता। तो एक कॉलेज वाले दूसरे से करेंगे, दूसरे वाले तीसरे से करेंगे, तीसरे वाले चौथे से करेंगे, तो आपके कॉलेज का नेटवर्क बन जाएगा। मगर ये बनाना आपको पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैं बता रहा हूँ तो मैं बना के दूंगा या विदा पीपल बना के देगा। दरअसल विदा पीपल आप ही हैं। हम आपकी इस बात में तो मदद करेंगे कि अगर डॉक्टर का एक ग्रुप बन चुका है तो उसको हम पुलिस के ग्रुप से मिलवा दें, या उस पुलिस के ग्रुप को हम वकीलों के ग्रुप से मिलवा दें, या आपको ये सूचना बना दें। मगर ये इंटरनेट और ये नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी, ये सूचनाएं आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो जिन लोगों में ऐसा इंटरेस्ट है काम करने का, जो लोग अपने समाज को बचाना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं कि बिना जुड़े और बिना काम करे बात बनेगी नहीं, तो इसके लिए कुछ बहुत बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
ये काम बिना ऑफिस के हो जाएगा। आप अपने घर को ऑफिस बना लीजिए, आपको जहाँ जमीन या जहाँ कोई चौपाल या जहाँ की बैठने की जगह वहाँ आप बैठ जाइए, जैसे भगवान बुद्ध करते थे। वो कोई पैसा खर्च नहीं करते थे, वो जंगल साफ करते थे और वहाँ उसको बिहार बना देते थे। तो आप वैसे ही बिना पैसा खर्च करे मिल जाइए। आप फ़ोन पर दुनिया भर की गपशप मारते हैं, तो एक ग्रुप बना लीजिए, अपने कॉलेज का एक ग्रुप बना लीजिए, जो आपका दफ्तर है उसका बना लीजिए, जो आपका गांव है उसका बना लीजिए, जो आपका शहर है उसका बना लीजिए, जो आप जिस भी काम में करते हैं उसका बना लीजिए, और ऊपर लिखिए वी द पीपल। वी द पीपल ये वाला कॉलेज, वी द पीपल ये वाला ऑफिस, वी द पीपल ये वाले वकील, वी द पीपल ये वाले, वी द पीपल आपको सब में लिखना है, वी द पीपल के बाद बनाना है। इसका एक लोगो है डब्ल्यू ई करके, वी करके, जो हम आपको दे रहे हैं वो अपने डीपी में लगा लीजिए, जिससे कि पहचान रहे कि ये आपके अपने लोग हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। बस आप ग्रुप बनाते जाइए, जैसे स्टेट लेवल पर जो काम करेंगे वो जिले के जो लोग हैं उनको जोड़ लेंगे, जो जिले वाले लोग हैं वो जो तहसील के लोग हैं उनको जोड़ लेंगे, तहसील वाले ब्लॉक को जोड़ लेंगे, ब्लॉक का ग्रुप बना लेंगे, और ब्लॉक वाले जो लोग हैं वो गाँव का बना लेंगे। तो आपकी कोई सूचना, जैसे कोई दिक्कत आई आपकी, तो गाँव वाला डालेगा ब्लॉक के व्हाट्सएप पे या उसके ग्रुप में, ब्लॉक वाला डालेगा अपने जिले के ग्रुप में, जिले वाला डालेगा अपने जो स्टेट का है राज्य का उसके ग्रुप में, और राज्य से वो जो और लोग जो बाकी हैं उन तक आ जाएगा। तो 10 मिनट के अंदर आपकी सूचना पूरे देश में फैल जाएगी। कोई भी जानकारी आपको है, नौकरी है, हारी है, बीमारी है, जैसे आपको अचानक, जैसे ये महामारी चल रही है कोविड की, तो इसमें आपको लगा कि जैसे बुखार आया है, दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि मैं, मेरा शरीर ऐसा ऐसा है, परेशानी ऐसी है, वो जो वहाँ के ग्रुप के जो डॉक्टर हैं उन तक पहुँच जाएगी और वो आपको जवाब दे देंगे कि भाई आप इसमें बीमारी में ऐसा कीजिए, इस हॉस्पिटल में आइए, यहाँ ऐसे कीजिए, ये दवाई ले लीजिए, थोड़ी राहत आपको मिलेगी, बड़ा काम बाद में हो जाएगा। इसी तरह आपको कोई समस्या आती है, जैसे आपका बच्चा कहीं शहर में जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप बोल दीजिए उस शहर में कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये उसका फ़ोन नंबर है, या ये उसका फ़ोटो है, ये वहाँ आपके पास पहुँच रहा है, इसकी मदद करना। तो जो बुद्ध विहार है या जो वाल्मीकि भवन है या जो कबीर भवन है या अम्बेडकर भवन है, वहाँ जो रुकने की सुविधा होगी वो बता देंगे, या अगर कोई होटल होगा तो वो बता देंगे, या जहाँ उसको रुकवा सकते हैं, जहाँ उसकी मदद कर सकते हैं, वहाँ के लोग उसकी मदद करेंगे, तो परिवार जैसा आपको सुरक्षा रहेगी। आपको हमेशा ये महसूस होगा कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी हैं, आपके आसपास में हजारों लोग आपके साथ हैं। ये जो हजारों लोग साथ होने का जो अनुभव है और जो एक सिक्योरिटी है, जो एक सुरक्षा है, ये बड़ी कीमती है। कोई आदमी कितना भी तगड़ा हो, अगर उसको ये एहसास हो और उसके मन में ये भाव आ जाए कि वो अकेला है, तो वो मर जाता है। और कोई आदमी कितना ही कमज़ोर हो, उसके मन में ये भाव आता है कि उसके हजारों बहन भाई आसपास हैं, सिर्फ इतना ही एहसास, तो वो जो कमज़ोर आदमी है वो भी बहुत मजबूत हो जाता है। ये परिवार की ताकत होती है। तो इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं, और यही काम करना है। हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, जुड़ना है और जोड़ना है, एक लाइन का टैग है, जुड़ना है और जोड़ना है। तो आप जब मीटिंग में आएँ तो आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, मगर आप जुड़ने और जोड़ने के अलावा कोई प्रश्न ना पूछें, आपके प्रश्न को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको तर्क करना है तो आपको एक फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, आप उससे फ़ोन पर तर्क कर सकते हैं, आपको तर्क को मना नहीं है, मगर सबका टाइम ना खराब करें। यहाँ जो लोग आते हैं वो जुड़ने और जोड़ने के लिए आते हैं, उनको ये बताने के लिए आते हैं कि जुड़ना जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे बात करें। अलग अलग प्रोफेशनल लोग आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डाइटिशियन है, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा, आप सारा टाइम खा जाएंगे बेकार की बात में। क्योंकि कोई आगे का जो प्लान है वो संविधान के अनुसार है, सबसे पहला जो एक लाइन का काम है, जुड़ना है और जोड़ना है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो बुद्धिमान लोग आते हैं, जो जानकार लोग आते हैं, भाई अगर आप बुद्धिमान हैं, जानकार हैं, आपके पास कोई प्लान है, तो 70 साल से आप क्या कर रहे हैं, 70 साल हो गए, हम मरने की स्थिति में आ गए, लगभग मर ही गए हैं, हमारे सारे अधिकार चले गए, आपके प्लान ही पूरे नहीं हुए। अगर कोई नेता कहता है कि ये बिना नेता के नहीं हो सकता, तो भाई 2 अप्रैल 2018 को बिना नेता के हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नेता अगर इकट्ठे होकर आएंगे तो काम आसान हो जाएगा, मगर नेताओं के इकट्ठे होने का चांस बड़ा कम है, क्योंकि नेताओं का रोजी रोटी का धंधे का सवाल है, बड़ी सारी बातें हैं जो नेता के साथ रहती हैं। तो आपने सबको छोड़ना है, ना नेता की बात करनी है, ना आपने किसी लीडर की बात करनी है, आपने संविधान को पकड़ना है, संविधान ही हमारा नेता है, और आपने खुद ही काम करना है, खुद ही लोगों को जोड़ना है, किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई आपसे कहेगा, डायरेक्शन देगा। आप वी द पीपल लिखते जाइए, बनाते जाइए, लोगों चिपकाते जाइए, ये इंडिया बहुत तेज़ी से आपका हो जाएगा, और आपकी जान भी बचेगी, आपको सब चीज़ें मिलेंगी भी, क्योंकि जब इकट्ठे होने का एहसास हो जाता है तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं।
जैसे आप 2 अप्रैल 2018 को सिर्फ सड़क पे खड़े हुए थे और आपको इकट्ठे होने का, परिवार होने का एहसास हो गया और आपकी समस्या दूर हो गई। तो ये समस्या दूर करने का एक मंत्र जो बाबा साहब ने दिया, संगठित रहो, वो हमें करना है, और जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया वो हमें अप्लाई करना है अपने इस काम में। बहुत सारे प्रश्न आपके हो सकते हैं, आपको लगता है प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई ना कोई फ़ोन करके आपको जवाब दे देगा। आप अगर यहाँ आते हैं तो मीटिंग में और भी लोगों को लेके आइए, उनका परिचय कराइए, उनका हौसला बढ़ाइए, जो जो मदद दे सकता है उसको उसको वो मदद देनी चाहिए। जैसे रेलवे है, आपको रेल में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि रेल के जो बीच में 5 स्टेशन पड़ेंगे उन स्टेशन में कौन कौन लोग आपको अपने हैं वहाँ पे जो आपकी मदद करेंगे। कोई दिक्कत हो जाए, कोई बच्चा स्टेशन पर रह जाए, कोई सामान रह जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो कहाँ किसको ढूंढोगे? आप सिर्फ एक फ़ोन करो उस जिले में, अपने स्टेट में, कि वो बताएगा आपको कि इस स्टेशन पे कौन बंदा अपना है, उसका फ़ोन नंबर आपको देगा, वो फ़ोन आप करेंगे, आपको मदद मिल जाएगी। इससे बड़ी मदद और क्या चाहिए आपको अनजान शहर में? और ये मदद बहुत बड़ी मदद है, वरना तो आप मारे मारे घूमिए, लोग आपका पैसा लूट लूट लेंगे, लोग आपको उल्टा रास्ता बता देंगे, आप भटकते फिरेंगे, कोई फ़ायदा उसका रहेगा नहीं। ये इसका पर्पज है, ये उसका उद्देश्य है, ताकि हमारा जीवन बढ़िया चले, और बाकी सारी बातें बात की हैं। तो इस वीडियो को जब आएँ आप तो इसको देख के आएँ, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इंडेक्स में लिख दें, वहाँ पे जो बॉक्स होता है इनबॉक्स में लिख दें, या आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जोड़ो और जोड़ने वाले, और एक होते हैं टूटे हुए और तोड़ने वाले। तो टूटे हुए और तोड़ने वाले बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न का भी जवाब दिया जाएगा, मगर इस कार्यक्रम में नहीं, उनको फ़ोन पे दिया जाएगा। धन्यवाद।